थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मौलवी पर 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 वर्षीय बच्ची मौलवी से पढ़ने मस्जिद जाती थी। लोगों की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद इमाम छत कूद कर फरार हो गया है, तो वहीं पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद पुलिस अब एक्टिव मोड पर है और आरोपी मौलवी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? मेरी लड़की है 10 साल की, वो मस्जिद पढ़ने जाती है तो आतिफ नाम के हाफिज जी ने उसको पानी लेने ऊपर भेजा और उसके साथ वो पीछे से खुद भी पहुंच गए, फिर उसके कपड़े उतार दिए और अपने भी उतार दिए, उसके साथ में वो हरकत करी उन्होंने। और अब मैं जब मैं मस्जिद पहुंची मैंने उनकी पिटाई भी करी हाफिज जी की, पर वो वहाँ से कुछ लोग वहाँ के गली के ऐसे हैं जिन्होंने उनको भगा दिया, मस्जिद के अंदर से ही भगा दिया, बाहर गेट से नहीं भगाया, अंदर से ही भगा दिया। पर वो अभी तक पता नहीं है उनका, और पुलिस में कंप्लेंट कर दी है मैंने और यहाँ मेडिकल के लिए भेजा है। पुलिस में शिकायत करने के बाद में क्या पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की? हाँ, कोशिश तो खैर की है उन्होंने, वो मस्जिद गए वहाँ पे पता करी, उन्होंने घरों में छानबीन भी करी, जिन जिन पे मुझे शक था मैंने उनके नाम बता दिए, उसमें से एक लड़के को उठा के भी लिया है, वो लड़का थाने में है और क्या कहते हैं जब उसके पापा को भी उठाने गए लड़के के, और वो हाफिज जी जो जिसके घर से भागे थे कूद के, तो उन्होंने यही बताया कि हमारी छत पे आवाज़ आई थी कूदने की पर हाफिज जी को नहीं देखा, वो छत पे से कूद के भागा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ वो पकड़ा जाए बस, उसके साथ में सख्त से सख्त वो है सज़ा।